हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 22 मार्च 2022। मार्केट के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिला, स्पेशली आज फर्स्ट हाफ में। अगर हम बात करें, लगभग 12:30 बजे तक मार्केट काफ़ी नेगेटिव में चल रहा था। उसके बाद अचानक से ऐसे क्या हुआ कि मार्केट सीधा नेगेटिव से डायरेक्टली 1% पॉजिटिव में आज क्लोजिंग दिया। निफ्टी करीबन 17,315 पे आज क्लोजिंग दिया, एंड सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 1% के ऊपर जाके आज क्लोजिंग दिया। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल अचानक से ये सेकेंड हाफ में ये तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड की फैक्टर्स है जो कि आज मार्केट को ट्रिगर किया। तो चलिए दोस्तों, आपको तो मालूम होगा कि निफ्टी में जो 50 शेयर है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को मूव कराने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है निफ्टी का, टॉप 10 वेटेज वाला कंपनी। तो आप अगर आज की डेट पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, निफ्टी की जो टॉप 10 वेटेज वाला शेयर है, मेजोरिटी ऑफ शेयर के अंदर आज तेज़ी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनी है यानी स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, आज करीबन 2.5% के ऊपर हमें तेज़ी देखने को मिला। साथ साथ देखिए, जो बड़े कंपनीज है जैसे कि टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, जिसका वेटेज निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, साथ साथ बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, कुछ आईटी कंपनी, आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए दोस्तों, मार्केट को अगर आप ध्यान से देखिए, आज फर्स्ट हाफ में लगभग 12:30 बजे तक निफ्टी आज नेगेटिव में था, ठीक वही दूसरी ओर में निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक जो कि रिलायंस इंडस्ट्री, आज स्टार्टिंग तो थोड़ा बहुत फ्लैट हुआ था, कोई बहुत बड़ा तेज़ी या गिरावट के साथ नहीं, बट ठीक तुरंत ही हमें देखिए एकदम 9:15 पे ओपन हुआ, 10 बजे के आसपास ये एकदम पीक में चला गया, मतलब काफ़ी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा नीचे आया एंड उसके बाद देखिए शेयर के अंदर लगातार तेज़ी। तो बेसिकली आज निफ्टी के अंदर इतना भारी भरकम तेज़ी के पीछे जो सबसे मेन रीज़न है वो है निफ्टी का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनी शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिला। तो दोस्तों, अभी बहुत सारा रीजंस एंड न्यूज़ वगैरह है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि चाइना, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कुछ बड़े बड़े देशों की शहर के अंदर भारी भरकम हमें कोविड का केसेस बढ़ता हुआ नजर आया, जिसको देख के हमें चाइना के अंदर बड़े बड़े शहर के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट लॉकडाउन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा वार्न किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 आवर्स अगो ये न्यूज़ है, 4th वेव ऑफ कोविड-19 थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन हैज़ नॉट गॉन अवे फ्रॉम इंडिया, ये डायरेक्टली जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये वार्निंग आया है। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो कर्नाटक की हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो 4th कोविड-19 वेव प्रेडिक्टेड इन अगस्त, मतलब मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट किया, दूसरे मतलब दो रीज़न की वजह से। सबसे पहले दोस्तों, एक तो हो गया अभी चल रहा है आपका मार्च का महीने, इसके मतलब बीच में अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 4 महीने बाद की यहाँ पे बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर अगर 4th वेव आता है तो बीच में 4 महीने है मार्केट रिकवर करने के लिए। तो इस चीज़ को मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी इंडियन मार्केट पहले ही हमने देखा था 1st वेव 2nd वेव एंड थर्ड वेव तक हमने झेल चुका है, तो यहाँ पे और एक बार झेल लेंगे, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट इसको आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा नेगेटिव हमें देख यहाँ पे जो कि मार्केट के अंदर इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने पता है 2nd वेव के टाइम पे क्या हुआ लास्ट ईयर पे, मार्केट के अंदर बहुत ही भारी भरकम गिरावट, उसके साथ साथ दिसंबर की जनवरी के टाइम पे हमने देखा था, दिसंबर जनवरी के टाइम में यहाँ पे 3rd वेव भी आया था। तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट ऑब्वियसली वो यूज टू हो गया है, तो जिसके कारण हमें कुछ बहुत बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, एंड थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन एंड रशिया वॉर का फिर से एक नया मोड़ खोल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है, रशिया यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट्स, एकदम रिसेंटली ये न्यूज़ है दोस्तों। यूक्रेन का प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की ने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया, रूल्स आउट सरेंडर। तो बेसिकली यहाँ पे सरेंडर करना नहीं चाहता प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, प्रेसेस पुतिन फॉर टॉक्स, मतलब इनका कहना है कि हम बातचीत करके, आपस में बैठक करके या बातचीत करके हम चीज़ों को सुलझा लेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की की तरफ से, और यह दोस्तों जो कि रशिया की अगेंस्ट में, मतलब रशिया चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे कम्प्लीटली, अपना आर्म्स वगैरह रख दे, मतलब कम्प्लीट सरेंडर कर दे, बट ऐसा प्रेसिडेंट ने नहीं किया, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि सरेंडर को यहाँ पे इग्नोर किया, और उसके साथ साथ नॉर्मल बातचीत के थ्रू, बैठक के थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो चीज़ों को सुलझाने की जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रशिया ने और ज़्यादा इन्वेट करने लगा है यूक्रेन के अंदर, अगर हम बात करें लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल से यहाँ पे अटैक वगैरह भी चल रहा है, साथ साथ सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हो रहा है, तो बड़े जो बिल्डिंग्स होता है, हॉस्पिटल्स
वगैरह स्कूल्स वगैरह जहाँ पे सिविलियंस वहाँ पे था उसके ऊपर भी यहाँ पे डायरेक्टली अटैक चल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों बोल सकते हो वॉर का एक फिर से एक नया मोड़ खोल गया, फिर से और ज़्यादा भयंकर टाइप का यहाँ पे हमें इन्वेशन देखने को मिला है रशिया की तरफ से। और उसके साथ साथ जो जेलेंस्की की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि सरेंडर नहीं करने का, तो डेफिनेटली उसके अंदर आप बोल सकते हो कि थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। बट मार्केट काफ़ी ये दिनों से ये चीज़ को लेकर यूज्ड हो चुका है, तो जिस कारण अगर कोई बहुत बड़ा स्टेप ना लिया जाए तब तक मार्केट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से मार्केट अभी नहीं गिरेगा। अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया या कोई बहुत बड़ा अब बोल सकते हो कि वॉर स्टार्ट हो गया और कोई दूसरा या तीसरा देश इसके अंदर मतलब आ गया यूक्रेन की सपोर्ट में, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर गिरावट देख सकते हैं। अभी जो चल रहा है सिचुएशन उसमें उतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला फिलहाल। अगर हम बात करें दोस्तों जो कि कमोडिटी मार्केट का, तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट क्रूड के अंदर फिर से हमें तेज़ी देखने को मिला, जो कि दो दिन पहले लास्ट वीक पे भी हमने देखा था ऑलमोस्ट $100 के आसपास पहुंच गया था, वही आज की डेट पे आप देखिए लाइव अपडेट चल रहा है। क्रूड ऑयल लगभग $111-112 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड साथ साथ इंडिया जो बाहर से इंपोर्ट करता है ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि लगभग $115 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है कमोडिटी मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें यूरोपियन मार्केट का, तो यूरोपियन मार्केट अभी ओपन हो चुका है, बस कुछ टाइम पहले ही मार्केट ओपन हुआ था और यूरोपियन मार्केट थोड़ा हमें पॉजिटिव देखने को मिला, क्योंकि लास्ट दो दिन से हमें यूरोपियन मार्केट के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला था। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था फ्राइडे के दिन थोड़ा नेगेटिव था, उसके साथ साथ लास्ट मंडे पे भी हमने देखा था मतलब यस्टरडे थोड़ा बहुत नेगेटिव में क्लोजिंग गया। तो अभी थोड़ा यूरोपियन मार्केट के अंदर भी पॉजिटिव देखने को मिला, लगभग डैक्स के अंदर 0.5% के ऊपर तेज़ी, एफटीएसी 100 के अंदर भी ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास तेज़ी, सीएसई 40 के अंदर ऑलमोस्ट 0.5% की तेज़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स यूरो स्टॉक्स 50 के अंदर भी 0.73% की तेज़ी, एफटीएसी एमआईबी के अंदर ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी एंड आईबीएक्स 35 के अंदर भी लगभग 0.5% से थोड़ा सा कम तेज़ी। तो अगर यूरोपियन मार्केट या यूएस मार्केट आज रात में, तो आपको इसका भी अपडेट दे दूंगा आज अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग होता है, क्योंकि अभी बस ओपन हुआ तो एंड होते होते काफ़ी सेशन बाकी है ट्रेडिंग सेशन, तो कल हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर भी हमें सेम टू सेम भारी भरकम तेज़ी देखने का चांस है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों आप ये जो कोविड का सिचुएशन फिर से आ चुका है फोर्थ वेव, इसको लेकर आपको एक तो मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा बट पर्टिकुलर कुछ सेक्टर आप बोल सकते हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जैसे कि कल भी मैं आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर इंपैक्ट आ सकता है, बट भले आज ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत तेज़ी दिया बट कोई बात नहीं, बट थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर नज़र ज़रूर होना चाहिए राइट। उसके साथ साथ और भी कुछ सेक्टर्स है जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एंड उसके साथ साथ मेटल सेक्टर, डेफिनेटली दोस्तों इसके अंदर इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भले ही हमें इंडिया के अंदर हो सकता है कि प्रेडिक्ट किया है जो साइंटिस्ट वगैरह या रिसर्चर ने कि इंडिया के अंदर अगस्त के महीने पे आ सकता है फोर्थ वेव, बट उसके पहले हमने देखा हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है। तो हमें चाइना के साथ कितने भी खराब रिलेशन हो बात नहीं, बट जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा चलता है इंडिया चाइना के बीच में, तो जिसके अंदर हमें कुछ कुछ सेक्टर के अंदर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल मार्केट रिकवर कर रहा है तो करने दीजिए। अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट आज की डेट में जहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट हाफ में जब मार्केट गिरा था लगभग 17,000 के ऊपर, जैसे कि लास्ट डे वीडियो में भी आपको कहा था कि 17,000 के ऊपर इसका सपोर्ट है, फिलहाल आज की डेट में जो क्लोजिंग प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 17,250 के ऊपर क्लोजिंग गया। अब सबसे पहला सपोर्ट ये बन चुका है, अब दूसरा 17,000 का लेवल, तो इस लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल मार्केट के ऊपर जो न्यूज़ आएगा उसके ऊपर तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही, तो हमेशा आपको गिरावट के लिए भी एंड रिकवर के लिए भी पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर गिरता है तो क्वालिटी शेयर के ऊपर निवेश कीजिए सिर्फ और सिर्फ, अगर रिकवर करते हैं तो उस केस में वेट एंड वॉच कीजिए। वीडियो को भी वाइंड अप करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।